नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन मिस्ट्री में। शादी हर इंसान के लिए एक यादगार लम्हा होता है। इसमें दो लोग एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। शादी में होने वाली परंपराओं के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में अजीबोगरीब परंपरा निभाई जाती है। क्या आप सभी को ये मालूम है? कुछ रस्में तो इतनी अजीब होती है कि उन पर विश्वास करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी ही अजीबोगरीब रस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप यही सोचेंगे कि अच्छा है, ये रस्में हमारे यहाँ नहीं होती। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले शादी से पहले दिया जाता है बिजली का झटका। साउथ कोरिया की एक जनजातीय परंपरा के अनुसार लड़कियां शादी से पहले पुरुषों से उनकी मर्दानगी का एक अनोखा सबूत मांगती हैं। इस सबूत को देना यहां की सबसे बड़ी परंपरा में शामिल है। इस परंपरा के अनुसार पुरुषों को शराब का सेवन करना पड़ता है और थोड़ी ही देर बाद उन्हें 120 वोल्ट का झटका दिया जाता है। अगर लड़का इस झटके को झेल लिया तो समझ लो वह मर्द हुआ, और अगर आप इस झटके को नहीं झेल पाए तो फिर ना मर्द। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब रस्में पाई जाती हैं, जैसे ये अगली ही देख लीजिए। शादी से पहले दूल्हे के तलवे पर पड़ती है मार। इस तरह की अजीबोगरीब परंपरा साउथ कोरिया में निभाई जाती है। इस रस्म में दूल्हे को जमीन पर लिटाने के बाद उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उसके तलवों पर गन्ने से मारा जाता है। दोस्तों के साथ साथ रिश्तेदार भी आकर बारी बारी से दूल्हे के तलवों पर गन्ने से मारते हैं। साउथ कोरिया में गन्ने को फलका कहा जाता है। शादी करने के लिए करना पड़ता है रेप। किर्गिस्तान के लोगों की ये परंपरा है कि हर लड़का शादी करने से पहले अपनी होने वाली पत्नी के साथ जबरन गलत काम करता है। जो लड़का जिस लड़की के साथ रेप करता है वह उसका पति बन जाता है। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के चलते देश में करीबन 12,000 लड़कियों का अपहरण करने के बाद उनके साथ गलत काम किया जाता है। हालांकि इस देश की सरकार ने लिखित तौर पर इस परंपरा को बैन कर दिया गया, लेकिन समाज में आज भी यह परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा भी दुनिया में और भी अजीबोगरीब परंपराएं हैं, जैसे ये अगली ही देख लीजिए। स्कॉटलैंड में दुल्हन को किया जाता है मुंह काला। स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन को कालिक लगाने की अजीब रस्म है। इस रस्म के साथ ही रिश्तेदार दूल्हा और दुल्हन को एक पेड़ से बांध देते हैं और उनके ऊपर दूध, चॉकलेट, अंडे और इसी तरह की चीज उनके ऊपर डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रस्म को निभाने से दूल्हा और दुल्हन के ऊपर बुरी शक्तियों से बचाया जा सकता है। इस तरह की रस्में स्कॉटलैंड में कुछ हिस्सों में आज भी निभाई जाती हैं। पीपल या केले के पेड़ से होती है शादी। हिंदू समाज में लड़कियों और लड़कियों की कुंडली मिलाते समय मांगलिक दोष पर अधिक जोर दिया जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार मांगलिक लड़के या लड़की किसी गैर मांगलिक या लड़की से शादी करना है तो उससे पहले उन्हें मांगलिक दोष को दूर करना पड़ेगा। इस मांगलिक दोष को दूर करने के लिए उन्हें भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर पीपल या केले के पेड़ से होती है शादी। तो दोस्तों, ये अजीबोगरीब रस्में आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिर मिलते हैं ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।